नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आरबीआई ने घटाई ब्याज दर, सस्ता होगा लोन। महंगाई में नरमी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने उम्मीदों के अनुरूप मंगलवार को ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है, जिससे आने वाले दिनों में घर और कार ऋण के सस्ता होने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक ऋण एवं मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रेपो दर को 0.25% कम कर 6.50% कर दिया। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष के लिए अपने सकल घरेलू अनुमान को 7.6% पर बरकरार रखा है। रेपो दर पर बैंकों को ऋण मिलता है। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो दर को 0.25% बढ़ाकर 6% कर दिया है। नई बैंक दर में 0.75% की कटौती कर 7% और सीमांत स्थायी सुविधा दर को भी 0.75% घटाकर 7% कर दिया है। दिल्ली से आगरा के बीच दौड़ी देश की सबसे तेज ट्रेन। दिल्ली से आगरा के बीच दौड़ी देश की सबसे तेज ट्रेन। देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन 12050 अप और 12049 डाउन गतिमान एक्सप्रेस राजधानी दिल्ली और सैलानियों के सबसे पसंदीदा गंतव्य आगरा के बीच मंगलवार से दौड़ने लगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सुबह 10 बजे गतिमान एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने इतिहास के एक नए अध्याय में प्रवेश किया। इस अवसर पर प्रभु ने कहा कि 2020 तक सभी गाड़ियों की वास्तविक एवं औसत गति बढ़ जाएगी। ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच 192 किलोमीटर की दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से तय करके निर्धारित 1 घंटा 40 मिनट यानी 100 मिनट में आगरा पहुंच गई। ट्रेन में सामान्य LBH कोच और इंजन WAP-5 लगा है, जिसकी क्षमता 5500 हॉर्स पावर है। शुक्रवार को छोड़कर यह गाड़ी सप्ताह के 6 दिन चला करेगी। अयोध्या मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर मामले में त्वरित सुनवाई संबंधी भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले में हस्तक्षेपकर्ता त्वरित सुनवाई का आग्रह नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि वह मामले की सुनवाई तभी करेगा जब संबंधित दोनों पक्ष किसी तारीख को सुनवाई के लिए सहमत हो जाएं। अदालत ने स्वामी की उस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अयोध्या के विवादित स्थल में दर्शनार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग की थी। अयोध्या मामले में शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दे रखा है। बिहार में नहीं बिकेगी शराब, नीतीश कुमार का अहम फैसला। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत राज्य में विदेशी शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। राज्य में देशी शराब की बिक्री पर 1 अप्रैल से ही रोक लग गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में तत्काल प्रभाव से विदेशी शराब की खरीद और बिक्री पर पाबंदी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि नीतीश कैबिनेट ने पहले फैसला किया था कि शहरों की परिधि में सरकारी दुकानों में विदेशी शराब की बिक्री की जाएगी। केंद्र ने देश के साथ बड़ा धोखा किया, केजरीवाल ने साधा नरेंद्र मोदी पर निशाना। पठानकोट के वायुसेना आधार कैंप पर आतंकवादी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान संयुक्त जांच दल को अनुमति दिए जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक तरफ केंद्र भारत माता की जय की बात करता है तो दूसरी तरफ ISI को देश में आने दिया जाता है। केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर मोदी पर हमला करते हुए पूछा, सर मोदी जी ISI को बुलाकर भारत माता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, पता नहीं मोदी जी और नवाज शरीफ में क्या डील हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहद शर्म की बात है कि पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने इस तरह भारत को बेइज्जत किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।